आज हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के एक नवीनतम तकनीक सोलर ग्रीन हाउस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हमारे किसान भाई बहन खुले में ही कृषि कार्य करते थे, फसलें उगाते थे, सब्जी और फूलों के बिचड़े लगाते थे। वहीं सोलर ग्रीन हाउस आने के बाद कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आ गई है। आज हम खड़े हैं भारत के सबसे पहले सोलर ग्रीन हाउस के सामने, जो कि धनबाद के बागमारा प्रखंड के धर्मा बांध गांव में स्थित है, जिसे स्थापित किया है कृषि क्षेत्र के अग्रणी शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, और इसे संचालित कर रही हैं मां काली महिला समिति की सदस्याएं। सोलर ग्रीन हाउस में बिचड़ा लगाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? जैसे हम लोग बाप दादा लोग हम लोग का खेती है, करते ही हैं, जो खुले में करते हैं बिचड़ा उत्पादन, तो खुले में करने से हमें हजार तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे ज़्यादा धूप होता है, ज़्यादा बारिश होता है, तो बिचड़ा सही ढंग से तरीका से या तैयार नहीं होता है। इस तरह से हम लोग को परेशानियों से गुजरना पड़ता था। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे जगह, सुरक्षित जगह तैयार करें जिससे हमें बिचड़ा सही ढंग से तैयार हो जाए। कि आप देख रहे हैं कि सोलर ग्रीन हाउस से क्या फ़ायदा मिला है, बीजा तैयार होने में कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, और फिर लाइट भी है, और फिर फैन भी चलता है। हाँ। और इससे ज़्यादा तो और सुविधा है कि बोरिंग है, बोरिंग से हम सिंचाई भी कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी लगाएं उससे हम फायदा भी उठा सकते हैं। वाह। हम लोग पौधा तैयार किए ग्रीन हाउस का मिलने के बाद, इस साल 40,000 पौधा किए हैं, अगला साल हो सकता है लाख भी हो सकता है, कुछ अपना खेत में लगाएं, कुछ बाजार में भी बेच सकते हैं। अभी तक हमने सुना सोलर ग्रीन हाउस के लाभुक किसानों की, आइए अब सुनते हैं शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपर्ट की राय। जैसा कि आपने बताया, ये सोलर ग्रीन हाउस भारत का पहला ग्लास टू ग्लास सोलर पीवी मॉड्यूल आधारित ग्रीन हाउस है। आज जहाँ दुनिया में ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज हो रही है, वैसे स्थिति में शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित सोलर ग्रीन हाउस अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। तो आइए आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये सोलर ग्रीन हाउस क्यों अपने आप में अनूठा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत पर जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टू ग्लास सोलर पीवी मॉड्यूल हैं, जिनसे सूर्य की रोशनी बिना किसी अवरोध के पौधों तक पहुंच पाती है। इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां छत पर लगे सोलर पैनल्स के माध्यम से हम पावर जनरेट करते हैं, वहीं दूसरी ओर नीचे सेम एरिया ऑफ लैंड पर हम क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी हमारी भूमि की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। सोलर ग्रीन हाउस में बाहरी जलवायु के कारकों को नियंत्रित कर कृषि उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सोलर ग्रीन हाउस जनरेटेड पावर का उपयोग इस ग्रीन हाउस में किस प्रकार लाया जाता है। इस सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन हाउस के अंदर सेंसर नियंत्रित फॉगिंग सिस्टम के द्वारा माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर पौधों की सिंचाई की जाती है। जब ग्रीन हाउस में तापमान बढ़ने लगता है तो अपने आप सोलर सेंसर नियंत्रित एयर एक्सट्रैक्शन सिस्टम कार्य करना शुरू कर देता है, जो स्वतः ही ग्रीन हाउस के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता रहता है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। रात्रि में ग्रीन हाउस में लगे सौर ऊर्जा संचालित सेंसर एवं टाइमर युक्त फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन लैंप्स द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अवधि को नियंत्रित कर पौधों में वृद्धि को एक्सेलरेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर जनरेटेड पावर से ग्रीन हाउस में निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती रहती है, जिसके लिए अतिरिक्त कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। सोलर ग्रीन हाउस न केवल फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि जिन गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है, उन गांवों के लिए ऊर्जा उत्पादन का एक बेहतरीन स्रोत साबित हो सकते हैं। सौर ऊर्जा संचालित सेल्फ ऑपरेटेड क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस की यही विशेषता इसे एक इनोवेटिव सफल उत्पाद के रूप में स्थापित करता है।